तो टाइगर श्रॉफ की ये मूवी लोगों को थोड़ा पागल टाइप का बना रही है, क्योंकि दोस्तों लोगों का एक गुस्सा भी है इस मूवी को लेकर, जो कि कमेंट में मैं जब भी वीडियो बनाता हूं वो तो निकल कर आता ही है, क्योंकि इस मूवी को कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते और कुछ लोग देखना चाहते हैं, तो ऐसा तो होना ही है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे गणपत मूवी के OTT रिलीज टाइम के बारे में। हाँ, तो सही सुन रहे हो आप, रिलीज टाइम के बारे में। भले ही इसको लेकर कन्फर्मेशन निकल कर नहीं आई है, और वो क्यों नहीं आई है, रिलीज डेट क्या है, रिलीज टाइम क्या है, वो सारी चीज़ें मैं कवर करूंगा वीडियो में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब कर दो यार, 30,000 सब्सक्राइबर के हम क्लोज है, जैसे मैं अभी हरी वीडियो में बोल रहा हूँ, और आप सभी के सपोर्ट से पहुंच भी जाएंगे बहुत जल्द, तो हाँ कर देना भाई। बात करें इस मूवी के बारे में, तो मूवी भाई सुपर डुपर फ्लॉप है, ऑब्वियसली सुपर डुपर फ्लॉप है। और टाइगर श्रॉफ की वही एक्शन हमें इसमें भी देखने को मिलती है जो कि बाकी बागी वाली मूवीज़ में देखने को मिल चुकी है, और खास बात यह है कि इसमें कृति सैनन भी हमें एक्शन करते हुए नजर आई है। तो हाँ दोस्तों, ये थोड़ा हॉलीवुड टच देने की कोशिश की जा रही है इंडियन मूवीज़ में, तो अच्छी बात है, कुछ नया देखने को तो मिलता है। बात करें OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, तो मूवी के राइट्स भाई कोई और अभी एक्वायर कर ही नहीं रहा है, वो है भाई नेटफ्लिक्स वाले। अमेज़न प्राइम थोड़ा पीछे है अभी नेटफ्लिक्स के मुकाबले में, और इन लोग बैक टू बैक बड़ी बड़ी मूवीज़ के राइट्स एक्वायर कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। और नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लो भाई, वही अभी फ़ायदे वाली बात है, क्योंकि इन फ्यूचर सलार आ रही है, और एनिमल आ रही है, और भाई फाइटर जो मूवी आएगी वो भी आ रही है, तो हाँ पूरी खतरनाक लिस्ट है इनकी। और रिलीज डेट को लेकर, रिलीज टाइम को लेकर बात करें, मैंने आपको पिछली वीडियो में अपडेट दी थी, आप सभी को याद होगा कि चांसेस है कि इसे 31 दिसंबर को रिलीज़ किया जाए या फिर दोस्तों 1 जनवरी। ये दो डेट्स बहुत ज़्यादा फिक्स बैठ रही है, क्योंकि इस रिलीज डेट पर, इस टाइम पर नेटफ्लिक्स के पास कोई भी बड़ी फिल्म नहीं है OTT पर रिलीज़ करने के लिए, तो नेटफ्लिक्स काइंड ऑफ इसे सरप्राइज रिलीज़ कर सकती है, क्योंकि दोस्तों नेटफ्लिक्स जो होता है, बड़ी मूवीज़ जब फ्लॉप हो जाती है तो उन्हें काइंड ऑफ सरप्राइज रिलीज़ करते हैं, वो अनाउंसमेंट नहीं करते, डायरेक्टली रिलीज़ कर देते हैं। अगर ये 31 दिसंबर को रिलीज़ होती है, तो इसका जो रिलीज़ टाइम होगा वो होंगे दोस्तों आज रात 12 बजे। जैसे ही दोस्तों 31 दिसंबर की स्टार्ट होंगी रात 12 बजे, आपको ये मूवी गणपत मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल सकती है। लेकिन जनरली कभी कभी नेटफ्लिक्स वाले इंडियन मूवीज़ को भी अपने जो है स्टैंडर्ड टाइम पर रिलीज़ करते हैं, तो ये आपको दोपहर 12:30 बजे तक देखने को मिल सकती है 31 दिसंबर को, या तो रात 12 बजे या तो दोपहर 12:30 बजे, 50-50 चांसेस है। और दोस्तों और कोई अपडेट्स आएंगे तो मैं आप सबको बता दूंगा। खैर आप बताओ एक्साइटेड हो या नहीं कमेंट में, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।